वेलकम टू आर्ट का तड़का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आर्ट का तड़का। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको मैं बनाने वाली हूँ सेप ग्रीन और लेमन येलो कलर से। ये हमारा फैब्रिक रेल कंपनी का कलर है, फैब्रिक पेंट, और ये लेमन येलो कलर है। इससे मैं अपने डिज़ाइन की पत्तियों को बनाऊंगी, और ये मरून कलर है और वाइट कलर, इससे मैं अपने डिज़ाइन के फ्लावर को बनाऊंगी। फ्लावर में एक रोज़ है और कुछ पत्तियां हैं, जिसको मैं पेन ब्रश, फ्लैट ब्रश 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले पेन ब्रश से बनाने वाली हूँ। और ये पेन ब्रश में 0 नंबर वाला थोड़ा सा पत्तियों के लिए यूज़ करूँगी। तो ये फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये छोटा सा डिज़ाइन है, इसको आप कुशन कवर पे या फिर आप चाहें तो, वैसे तो मैं टी कोज़ी यानी कि जो हम लोग अपना टी पॉट ढकने के लिए जिस कवर को यूज़ करते हैं, उस पे आप ये प्यारा सा डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो हम अपने पहले अपने डिज़ाइन के लीफ को बनाएंगे। इसमें ऊपर नीचे का मिक्सिंग का कोई ये नहीं है, बस नीचे से येलो और ऊपर से सेप ग्रीन देकर, या किसी पत्ती में ऊपर से येलो नीचे से सेप ग्रीन देकर आप फील करके मिक्स करके इसको बना सकती हैं। इसमें कलर मिक्स करने का कोई मतलब कि तरीका या नियम ये तो नहीं है कि ऐसे मिक्स करना है, बस ऊपर नीचे लाइट और डार्क करते हुए आपको मिक्स करना है। किसी पत्ती में नीचे जो दें कलर, जैसे सेप ग्रीन आप नीचे दे रही हैं तो ऊपर में आप येलो दें, किसी लीफ में आप ऊपर में अगर सेप ग्रीन दे रही हैं तो नीचे में येलो दें, इस तरह से करके उसको मिक्स करें। और हमारे लीफ जो हैं फ्रेंड्स, अभी ड्राई नहीं है, अभी पेंट हमारा जो है गीला है, इस वजह से इस पे मैं अंदर में जो रेशे होते हैं पत्तियों के, उसको हम अभी नहीं देंगे। सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद इसमें हम अपना रेशे को बनाएंगे पेन ब्रश से। तो हमारा लीफ ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने वाइट कलर से बस हल्का हल्का सा मैंने पत्तियों के जो रेशे होते हैं अंदर में, लकीरें जो होती हैं, उसको देना है बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो ये डिज़ाइन बहुत इजी और सिंपल से है, आप चाहें तो बहुत इजीली बना सकती हैं, और कहीं भी बनाकर आप इसको अपने किसी भी चीज़ को सजा सकती हैं, बहुत खूबसूरत दिखेगा। फ्रेंड्स देखिए इसका लीफ कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम अपने डिज़ाइन के फ्लावर को बनाएंगे। ये जो रोज़ हमारा बनाना का जो तरीका है, ये बिल्कुल डिफरेंट है और अलग तरीके से ये बनेगा। इसमें अंदर से हमें वाइट फील करना है और ऊपर में बिल्कुल थोड़ा सा जगह, लकीर के जैसा, आउटलाइन के जैसा हमें जगह छोड़कर वाइट को फील कर लेना है। और फिर जो हमारे जो चपटे वाला फ्लैट ब्रश है, उसके एक नोक पर हल्का सा, बस नोक पर ही आप डार्क कलर जो है मेरा मरून कलर, उसको नोक पर उठाएं और बिल्कुल इत्मीनान से और धीरे धीरे, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, तो आप ऊपर के हिस्से में बिल्कुल देखिए, मैंने बस कोने पर उठाया है और बिल्कुल धीरे धीरे से मैंने कोने को ही डार्क किया है। अपने रोज़ के जो हमारे किनारी जो हैं उसी को डार्क करना है, मिक्स नहीं करना है। इस डिज़ाइन में किनारी जो हैं वो डार्क रहेंगे और बिल्कुल आउट लाइन की तरह भी नहीं रहेगा। ये ना समझें कि वाइट से फील कर लें और डार्क कलर से आउटलाइन कर दें, ऐसा नहीं है। आउटलाइन ही के तरह से तो ये जाएगा, लेकिन बिल्कुल इस तरह से बराबर ब्रश को दबाते हुए उस आउटलाइन को देना है किनारी पर, पेंट को उठाकर ब्रश को थोड़े से दबाते हुए, कि ताकि हल्का सा मिक्स भी हो, बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स हो,
और एक साइड से देखें कैसे मैं दबाकर ब्रश को धीरे धीरे उसको बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप कोशिश करें। थोड़ा सा मिक्स भी हो और आउटलाइन डार्क पता चले, बिल्कुल इस तरह से। ये पहले वाइट कलर से पत्ती को फिल कर लेना है, ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा छोड़ देना है आउटलाइन की तरह। अगर ऊपर में आप पूरा वाइट से फिल कर दे रही हैं तो जो ये आउटलाइन देना है उसमें आपका क्या होगा कि कलर मिक्स हो जाएगा, इसलिए आप कलर वो जगह छोड़ दें और उसमें आप आउटलाइन दें। तो इसमें मैंने दो तरह से बताया है फ्रेंड्स। इसमें है कि मैंने चपटे वाले अपने फ्लैट ब्रश से ही उसके नोक पर मैंने डार्क कलर को, मरून कलर को उठाकर और आउटलाइन दिया है अपने रोज़ का। अगर इस तरह से आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है और नहीं कर पा रही हैं आप, तो आप क्या करें कि पहले वाइट कलर से फिल कर लें। देखिए ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा छोड़कर पत्ती को वाइट कलर से फिल करें, ऊपर से पेन ब्रश से आउटलाइन दें। इस तरह से आपको थोड़ी सी आसानी महसूस होगी बनाने में। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश के नोक पर भी पेंट डार्क कलर जो है लेकर आप बना सकती हैं, और आप चाहें तो उस तरह से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी भी आउटलाइन पहले दे लें पेन ब्रश से और उसको फ्लैट वाले ब्रश से आप मिक्स करें जैसे मैंने बता रखा है। देखिए मैंने दोनों तरीके से इसमें आइडिया मैंने दे दिया है आप लोगों को। आप लोगों को जिससे इजी महसूस हो, जिससे आसानी लगे उससे आप बनाएं। हल्का सा मिक्स भी हो और आउटलाइन डार्क हो, इस तरह से आपका रोज़ जो है बहुत खूबसूरत बनेगा। ये बिल्कुल एक कोने पर कलर उठाना है और उसको बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे उसको आपको पत्ती को बनाना है। आप पूरे फ्लावर को ना देखकर बल्कि एक एक पत्ती को देखें, एक एक पंखुड़ी को देखें और उसको बहुत ही इत्मीनान और सुकून से बनाएं। इस तरह से आप इजली बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने फ्लैट ब्रश में भी उठाकर आप लोगों को बनाकर दिखाया है और फिर दूसरे तरीके से दूसरा आइडिया मैंने दिया है पेन ब्रश से आउटलाइन करके उसको फिर मिक्स करें। देखें आउटलाइन करें पेन ब्रश से, फिर उसको मिक्स करें फ्लैट वाली ब्रश के हेल्प से। उसको आप धीरे धीरे जी बिल्कुल मिक्स भी नहीं होना चाहिए, बस आउटलाइन डार्क पता चले और उसके बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा आउटलाइन के नीचे ही बस थोड़ा सा मिक्स नज़र आए, पूरे पत्तियों में मिक्स नहीं करना है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है हमारा रोज़ जो है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे ही आप बनाएं। और ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही नए नए खूबसूरत डिज़ाइन के लिए, और सीखते रहें तरह तरह के खूबसूरत डिज़ाइन, फ्लावर्स प्यारे प्यारे और अपने सूट साड़ी पे बनाए। तो
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ डिज़ाइन जो है लगभग कंप्लीट है। वीडियो को फुल वॉच करें तभी आप समझ पाएंगी और आसानी से बना पाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।